ଜାତୀୟ ନାଗରିକତା ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା କୁହାଯାଏ ଯେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ରହୁଥିବା ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବା ସମସ୍ୟାର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯିଏକି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଛଗନ ସିଂ କୁଲସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପଚାରି ବୁଝିବା। ସାର୍, ଆପ୍ ଯେଉଁ ଆଏ ହେଁ ଇଧର ଥୋଡ଼ା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ଦର, ଯେଉଁ CAA ଏ ଯେଉଁ कानून आया है उसमें कुछ समस्या दिक्कत है क्या लोगों के लिए? नहीं नहीं, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सा विषय देखिए, ये है नागरिकता संशोधन विधेयक था। इसमें जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, विशेषकर जो हिंदू अल्पसंख्यक, उसमें हमारे सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पादरी हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उनके साथ में इन देशों के अंदर जो व्यवहार हुआ है और इसके कारण वो भारत में आ गए, जिस समय ये विभाजन हुआ और वो जो उस सीमा में थे, तो उनके साथ में चूँकि वहाँ पर इस प्रकार के व्यवहार के कारण उनने इन कठिनाइयों को सह नहीं पाए और भारत के अंदर आ गए। और इसलिए सरकार ने विचार किया कि हमारे ही भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उनको भारत में उनको नागरिकता मिलना चाहिए, और इसलिए ये नागरिकता संशोधन विधेयक आया है। इसमें जो देखा गया है, जो कानून है, उसमें मुसलमान लोगों को उसमें छोड़ दिया गया है और अलग 6 जातियों को इसमें लिया गया है। देखिए, इसमें अगर हमारे यहाँ मुस्लिम का भी कोई ऐसा विषय नहीं है, चूँकि देखिए वो मुस्लिम समाज जिसको हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हम बोलते हैं, वहाँ हमारे जो लोग हैं अल्पसंख्यक थे, और इसलिए ये विषय आया और इसलिए इसका अल्पसंख्यक से या माइनॉरिटी से इसका संबंध नहीं है। जो कम आबादी वाला व्यक्ति है या समाज है, उनके साथ में जो अत्याचार हुए और इस प्रकार के लोगों को यहाँ पर रहने के लिए उनको शरणार्थी के तौर पर स्थान दिया भारत के अंदर, उनको नागरिकता नहीं थी, उनको नागरिकता देने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वहाँ जो रहने वाले लोग थे वो यहाँ आए और उनको यहाँ नागरिकता देने का ही विषय। सामान्य परिस्थिति ये है, इसमें कहीं किसी नागरिकता के बारे में, किसी समाज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में इसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं है और ना किसी को डरने का सवाल है। इसमें कोई दूसरी तरह का कोई कानून में अलग से प्रावधान नहीं किया, केवल नागरिकता देने के लिए किया गया है। जो कुछ दिक्कत पैदा हुआ है सारे देश में, तनाव का माहौल है कुछ स्टेट में, तो आपने केंद्रापड़ा का उड़ीसा में जो केंद्रापड़ा का महाकालपड़ा को चुना, आप लोग समझ रहे हैं क्या? आपने जो लोगों के लिए वार्ता दिया उसमें लोग कुछ समझ जाएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि ये कानून उन्हीं लोगों के लिए है जैसे यहाँ पर विस्थापित होकर के आए, शरणार्थी के तौर पर यहाँ रह रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में उड़ीसा के अंदर लोग रह रहे हैं और इसलिए यहाँ पर लगभग 1600 लोगों को नोटिस जारी हुआ था। उस समय हम यहाँ पर सरकार में, हम NDA के रूप में काम करते थे, तो उस समय इनको हमने यथा स्थिति रहे, लोगों को भविष्य में इसके बारे में विचार करेंगे, उस समय इनको फिर यथा स्थिति इनकी बाहर हमने बरकरार रखी, तो उस समय हुआ। और आज जब हमको अवसर मिला तो आज हमने इसको कानून लेकर के आए और अब इनको ये नागरिकता प्राप्त हो जाएगी भारत की और अब यहाँ रहेंगे। इनके लिए चाहे वोटर लिस्ट की बात कर लें और चाहे आधार कार्ड की बात कर लें, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पर रोजगार पाएंगे, यहाँ पर नौकरी पाएंगे, जैसे भारत के नागरिकता दी जाएगी और उसी वक्त इसको सारी सुविधाएं भारत के नागरिक की तरफ से उनके साथ व्यवहार होगा। यहाँ जो केंद्रापड़ा जो रामनगर को आप आए थे, इधर का जो 5-6 पंचायत है उसमें जो बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी और शरणार्थी रहते थे, जिसका तालिक लिस्ट भी हुआ था, उसमें जो बोला गया था 6-7 लाख आदमी इधर रह रहे हैं, तो वो जो आदमी रहेंगे उनके अंदर थोड़ा चिंता की बात है, जो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा जो उनको? देखिए, इसमें साफ तौर से जो भी उनके पास आधार कहें, जो भी रह रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, कोई उस आइडेंटिफिकेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। सीधा सा प्रश्न है कि वो जितने समय से रह रहे हैं, हमने इसीलिए
दिसंबर 14 का उल्लेख हुआ है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 साल कम से कम यहाँ मूलतः रहता हो इस गांव के अंदर या इस स्थान में, इसलिए उसका उल्लेख किया गया है और उनको नागरिकता देना है। कानून जिस तारीख को पास हुआ वहाँ तक रहने वाले जो भी व्यक्ति है जो इस पूरे कैटेगरी में आते हैं, जो इन 3 देशों से यहाँ पर आकर के माइग्रेट होकर के रह रहे हैं, उनको ये नागरिकता मिलेगी। उसके लिए गांव के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, जो व्यवस्था बनेगी, तो मुझे लगता है उससे उसका समाधान पूरा हो जाएगा और कोई समस्या नहीं आने वाली। ये हमने मोटे तौर से कहा है कि कोई भी व्यक्ति है जो इस श्रेणी के कैटेगरी के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको सबको नागरिकता मिलेगी। जब अभी मंच में बोल रहे थे तो जो लोकल जो यहाँ का जो रीजनल पार्टी है, कितने भी स्टेट में जो रीजनल पार्टी है इसको अपोज कर रहे हैं, आपका जो कहने का मतलब था? देखिए, बंगाल के अंदर ये स्थिति है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ लोगों ने, या एंटी बीजेपी हम कह सकते हैं, इस प्रकार के लोग आज एक हुए हैं। और उसके पीछे ये है कि इनकी जो अभी तक के वोट बैंक की राजनीति लोगों ने किया है, लोगों की चिंता नहीं किया, और वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग आज इसका जो अपोज कर रहे हैं उनको इससे कोई वास्ता नहीं है, इस कानून से नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया है और पार्लियामेंट ने इस कानून को पास किया, और जब पार्लियामेंट ने पास किया और भारत के राष्ट्रपति ने इसका आदेश जारी कर दिया तो अब कोई विषय रहता नहीं। और इसलिए हमने स्पष्ट कहा है इस कानून के अंदर किसी व्यक्ति के खिलाफ में ये कानून नहीं है, किसी समाज के खिलाफ में नहीं है, और इसलिए इससे भ्रम पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति अभी तक कानून बनाने तक यहाँ रह रहा है, इन 3 देशों से आकर के, ये जो अलग अलग कम्युनिटी का उल्लेख किया जो माइनॉरिटी की श्रेणी में उन देशों के अंदर थे, वो यहाँ आकर के रह रहे हैं, उनको नागरिकता देना, ये सीधा स्पष्ट कहना है हमारा, और ये कानून भी कहता है, और इसलिए इतना अधिकार इसके अंदर दिया गया है। धन्यवाद केंद्र मंत्री सर जी। से कहवा कथा सीधा सड़क जे एथेरे कौनसी प्रकार लोक मैंने भ्रमित होवार आवश्यकता ना। केन्द्रापड़ कैमेरा पर्सन राजेन्द्र पड़ा सह सतोष पंडा कनेक्ट न्यूज़।